हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। सॉलिड स्टेट थी, लिक्विड स्टेट थी और गैस स्टेट थी। तो आज हम पढ़ते हैं कुछ चेंज इन स्टेट क्या, कि स्टेट में बदलाव होता है, चेंज होता है मैटर की, तो उसके बारे में देखते हैं। तो दो तरह से इनका प्रभाव है, जो स्टेट है इनका चेंज है, हमने कैसे मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का प्रभाव भी पड़ता है। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो किसका इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का। सेकंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसकी स्टेट में भी क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट में चेंज होगा। अब देखिए, आपने बर्फ देखी होगी, तो बर्फ कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। अगर टेम्परेचर अपने क्या करते हैं, इंक्रीज करें टेम्परेचर, क्या करते हैं इंक्रीज करें टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो वाटर में बदल जाती है। आइस के अकेले अपने टेम्परेचर, इसको गर्म करें, क्या करें गर्म करें, तो क्या होगी वाटर में बदल जाएगी। अगर वाटर को फिर से क्या करें और गर्म करें, क्या करें और गर्म करें टेम्परेचर बढ़ा दें, तो किस में वो बाफ में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, तो वेपर क्या होती है गैस होती है। तो इस तरह से क्या है, जो जो सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, किसकी किसके कारण, चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण। तो अब अपने देखें क्या ये बात, इससे लिक्विड और सॉलिड में चेंज हो सकता है। अब देखिए कि गैस है जो वाटर वेपर है, इसको भी क्या बोलते हैं, कंडेंसेंस बोलते हैं, अगर करें ठीक है, टेम्परेचर क्या करते हैं कम करें घटा दें, तो क्या होगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ना, वाटर वेपर बाफ, बाफ को इकट्ठा कैसे करते हैं, पानी के रूप में कैसे बदलते हैं, कंडेंसेशन होता ना, तो टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर अगर टेम्परेचर क्या करें और कम कर दें, तो कौन सी बर्फ में जम जाता है सॉलिड में। अब आपने देखा होगा पानी आप लेते हो लिक्विड, उसको फ्रीजर में, फ्रिज में रखा, तो फ्रिज में रखते हैं तो किसमें चेंज होता है, बर्फ बन जाती है, बर्फ कौन सी स्टेट है सॉलिड। तो यानी कि अपने कह सकते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या है, सॉलिड है लिक्विड में गैस में चेंज हो सकता है, वापस फिर गैस से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, ये किसका था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर क्या सॉलिड है इसमें अपने क्या किया प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर क्या किया इंक्रीज किया, प्रेशर प्रेशर लगाया इसके ऊपर, तो देखो सॉलिड है सॉरी फिर क्या है गैस है। अब इसमें टेम्परेचर में क्या किया जो प्रेशर है बढ़ाया प्रेशर, तो इसके जो सॉलिड के क्या है जो पार्टिकल हो क्या आएंगे थोड़ा पास पास आ जाएंगे, जैसे कि क्या लिक्विड के होते हैं, तो गैस किस में हो जाएगी चेंज, लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं गैस की तुलना में थोड़ा पास पास होते हैं। अगर फिर अपने और प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर को क्या करें और इंक्रीज करें, फिर उसके पार्टिकल हैं जो क्या हो जाएंगे मैटर के और पास पास आएंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा सॉलिड में हो जाएगा। तो जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड होती है CO2, जिसको बोलते हैं अपने ड्राई आइस भी बोल देते हैं, CO2 को क्या बोलते हैं ड्राई आइस या शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ बोल देते हैं ड्राई आइस। तो सॉलिड में होती है जब इसके क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं, क्या करते हैं प्रेशर क्या करते हैं अपने हटाते हैं, तो इसमें चेंज होती है लिक्विड में चेंज हो जाती है, जब इस क्या करते हैं प्रेशर को कम करते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी इसको अपने आगे पूरा डिटेल से देखते हैं। बाद देखिए इस क्वेश्चन के से प्रूव करते हैं, बाय चेंजिंग टेंपरेचर, टेंपरेचर का चेंज हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेंपरेचर पे कोई चीज क्या मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, यानी लिक्विड स्टेट में आ जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेंपरेचर एट व्हिच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, यानी ऐसा टेंपरेचर जिस पे कोई सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, टू फॉर्म लिक्विड और लिक्विड बनाए, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद एक आता है लेटेंट
हीट, तो लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या होता है लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 केजी सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी 1 केजी कोई क्या सॉलिड है, 1 केजी सॉलिड हो उसको अपने लिक्विड में स्टेट में चेंज करना, लिक्विड स्टेट में, तो उसके लिए कितना जो है अपने को हीट चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हीट अपने को चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ऐसा टेंपरेचर जिस पे लिक्विड क्या हो वही करने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड मेल्ट हो जाए पिघल जाए लिक्विड में आ जाए, और बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसा टेंपरेचर जिस पे कि कोई लिक्विड है वो बॉइल करने लगे उबलने लग जाए वाटर में चेंज हो जाए, तो द टेंपरेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलने लग जाए उसको क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें भी आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलेंगे, यानी 1 केजी अगर लिक्विड है उसको गैसियस स्टेट में लाने के लिए जितना अपने को हीट चाहिए अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके बाद अब आगे देखिए, मेल्ट है वो सॉलिड स्टेट से सीधा किस में आ रहे हैं गैसियस स्टेट में आ रहे हैं, ये चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कोई भी मैटर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपने सब्लिमेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे सब्लिमेशन, यानी कि गैस स्टेट में सीधा ही आ रहे हैं लिक्विड में चेंज हुए बिना, सॉलिड से सीधा गैस में आ रहे हैं लिक्विड में चेंज हुए बिना उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। तो अगर क्या हो गैस से फिर सॉलिड में चेंज हो जाए, देखो एंड डायरेक्टली चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, अगर वाष्प से पहले सॉलिड से गैस में उसको सब्लिमेशन बोला, अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे डिपोजिशन, क्या बोलेंगे डिपोजिशन। तो एग्जांपल है जैसे नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोलियां भी सुना होगा, तो नेफ्थलीन क्या होता है धीरे धीरे देखा होगा आपने वो छोटी होती जाती गोलियां, क्यों होती छोटी, वो नेफ्थलीन सीधे क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, किसमें होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म से सीधा किस में हो जाता है गैसियस स्टेट में, ऐसे अमोनियम क्लोराइड है ये भी क्या होता है गैसियस से गैस में आता है सॉलिड में, सॉलिड से गैसियस में, तो ये क्या है सब्लिमेशन ऑफ गैसियस स्टेट में। तो इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए कुछ मटेरियल या कोई मैटर लिया गैस स्टेट में है किसी कंटेनर में, तो ये क्या है पिस्टन और ये वाला जो सिलेंडर है, अब अपने पिस्टन को क्या करेंगे जैसे कंप्रेस करेंगे दबाएंगे प्रेशर लगाएंगे तो उसकी जो पार्टिकल है दूर दूर से पास पास आ गए, क्या भी पास पास, तो ये किसमें हो गया लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड में थोड़ा गैप होता है तो स्पेस लिक्विड, अगर फिर अपने और प्रेशर लगाएंगे प्रेशर को क्या अपने और इंक्रीज करें तो पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी वो सॉलिड, इसी तरह से अगर प्रेशर को अपने रिमूव करेंगे तो सॉलिड से किसमें आएगा लिक्विड में, लिक्विड से फिर प्रेशर को रिमूव करेंगे तो किसमें आ जाएगा गैस स्टेट में, तो ये कुछ इफेक्ट है टेम्परेचर और चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ प्रेशर। तो देखिए अगर लिक्विड से देखो गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन, अगर गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो कंडेंसेशन बताया आपको, अगर गैस से सॉलिड में चेंज होता है सीधा सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो डिपोजिशन, अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब कुछ एक और देखना, अगर क्या देखना अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर किसमें होता है सेल्सियस में होता है ना सेल्सियस में, ये किसके इक्वल होता है 273 तो क्या करोगे आप 273 ऐड कर दोगे,
अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, क्या करना है? केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये उसका टेंपरेचर होते हैं, इस तरह से टेंपरेचर की यूनिट होती है सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 उसमें से माइनस कर देंगे। तब ये था चेंज ऑफ टेंपरेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब नेक्स्ट पार्ट जो बचा जो लेसन का, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में